राम राम किसान साथियों। किसान भाई देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अरबी की खेती में बैंगन की खेती किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, मैं अपनी अरबी की खेती में बैंगन की खेती का यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, और ऐसा नहीं मैं केवल हवा में बता करूँगा, आपको ए टू जेड में यहाँ पूरी प्रोसेस बताऊँगा कि आपको भी अरबी की खेती के अंदर बैंगन की खेती किस प्रकार करनी है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए, हमें अरबी खेत में बैंगन की खेती करने की ज़रूरत क्या है। देखिए, ज़रूरत इसलिए है हमें आजकल हर खेती में डबल खेती करनी, क्योंकि देखिए आबादी भारत की यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब आबादी बढ़ने में क्या, ज़मीनें यहाँ पर कम होती जा रही है, ज़मीनें कम होने की वजह से हमारे किसान जो होते हैं वो सोचते हैं कि भैया मैं अरबी की खेती भी कर लेता, बैंगन भी मेरे यहाँ पर होते हैं, मैं मूली की खेती भी करता, तो वो ये चाहता कि मेरे पास जो है हर तरह की सब्जी की खेती होती। तो मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से ये टेक्निक बताऊँगा कि आप एक खेती में डबल खेती किस प्रकार कर सकते हैं, जिससे कि हमारी दूसरी खेती होगी तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, और मैं अपने खेत का वहाँ पर आपको यहाँ पर ए टू जेड लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं, आप मेरे खेत पर आपको दिखाता हूँ मैं आप अरबी की खेती में बैंगन की खेती किस प्रकार कर सकते हैं। ज़्यादा किसान देखिए, आप देख पा रहे हैं हम पहुँच चुके हैं अपने खेत पर, आप यहाँ देख सकते हैं बैंगन। देखिए, यह साइड में आपको अरबी दिखाई देगी और अरबी के गुल में आपको यहाँ पर देखिए बैंगन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आप बैंगन की क्वालिटी देखते हैं, अरबी के अंदर इतना बढ़िया और इतना टॉप बैंगन निकला है, आप यकीन मानिए कि देखिए बैंगन के प्लांट्स के अंदर कोई भी शिकायत आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और देखिए, चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ अपने खेत पर, यहाँ पर लाइव प्रूफ देखिए, आपको हर तीसरी गुल में यहाँ पर बैंगन का प्लांट देखने को मिलेगा। देखिए, आप बैंगन देख सकते हैं, बैंगन में किसी तरीके कोई शिकायत देखने को मिलेगी ना, यहाँ पर आपको तनाछेदक कीट देखने को मिलेगा, ना आपको फलीदार कीट यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप अब समझते उठे कि भैया हमें अरबी की खेती, हम अरबी में बैंगन की खेती कब कब कर सकते हैं। देखिए, आप जून के महीने में, मई के महीने में, जुलाई, या तीनों महीने में से किसी महीने में आप अरबी की खेती में आपको बैंगन का प्लांटेशन जो है यहाँ पर कर देना। जब आप बैंगन का प्लांटेशन कर देंगे तो आप जानते हैं बैंगन की, सॉरी, अरबी की खुदाई होती है वो हमारी जून जुलाई में होती है, क्योंकि जून जुलाई में देखिए अरबी हमारे यहाँ से खुद जाएगी, यानी हार्वेस्टिंग से खुद जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, बैंगन का एक प्रॉपर थामला बनाकर इसको बढ़िया कर देना, फिर ये हमारी केवल बैंगन की खेती रह जाएगी। देखिए, इस तरीके से खेती करने में अच्छी खासी इनकम होती है, क्योंकि देखिए होता ये है, ज़मीन आज कल कम होनी चाहिए, और हमारे किसान सोचते हैं अगर मान लीजिए मैं किसमें केवल अरबी रहने देता तो मेरे पास बैंगन की खेती नहीं हो पाती, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर ज़मीन नहीं थी। तो इसमें मैंने दिमाग लगाया और मैंने सोचा क्यों ना कि अरबी के अंदर ही बैंगन यहाँ पर लगा दी जाए, क्योंकि देखिए अरबी मेरी अब 15 दिन बाद में हार्वेस्टिंग होने वाला, अरबी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर बैंगन का मेरा पूरा खेत यहाँ पर बढ़िया हो जाएगा। तो किसानों, देखिए आपको भी इसी तरीके जो है अरबी में बैंगन की खेती करनी है, इससे आपको काफ़ी अच्छी खासी इनकम होगी, और देखिए आपको इससे अच्छा खासा फ़ायदा भी होने वाला है। क्योंकि अगर आप एक खेती के अंदर डबलिंग खेती करते हैं यानी, तो इससे होता है कि अगर आपकी एक खेती बाई चांस ख़राब भी रहती है तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी का सामना यहाँ पर नहीं करने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक पेड़ में आपको बैंगन की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी। आपको मैं पूरे खेत का यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं पूरे खेत में आपको यहाँ पर बैंगन देखने को मिलेगा, और बैंगन की क्वालिटी यहाँ पर आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से देखिए आपको करना क्या है, मैंने बताया कि आपको मई, जून, ये जुलाई, इन तीनों महीने में से किसी महीने में क्या करना है, आपको प्रॉपर जो है बैंगन लगा देने हैं अपने अरबी खेत में। क्योंकि आपकी जो अरबी खुदाई को बहुत सारे किसान जो होते हैं हमारे मई के महीने में कर, जून के महीने में कर देते हैं, बहुत सारे किसान जुलाई के महीने में करते हैं, और बहुत सारे किसान जो हमारे अगस्त के महीने में करते हैं। तो इससे होगा क्या, जो आपका बैंगन है वो प्रॉपर खड़ा रहेगा, बढ़िया रहेगा, इससे आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, और आपको यहाँ से अच्छी खासी इनकम भी यहाँ पर आपको देखने को इससे मिलेगी। तो इसी तरीके से किसान, देखिए आपको खेती करनी है, और मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि आप बैंगन की, अगर केवल बैंगन लगा रहे हैं तो केवल बैंगन मत लगाइए, साथ में उसके आप मूली की खेती कर दीजिए, आपको कोई भी यहाँ परेशानी नहीं होगी, और आपको अच्छा खासा इनकम यहाँ से देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप बैंगन का प्लांटेशन कर रहे हैं और बैंगन की खेती में आप मूली की खेती कर देंगे, तो हमारी मूली जो होती है मात्र 30 दिन के अंदर यहाँ पर आ जाती है, और 30 दिन के अंदर आने पर होता है कि 30 दिन में हमारा बैंगन जो होता है केवल फूट के ही आता है। तो बैंगन के अंदर केवल 30 दिन में हरियाली ही आती है, तो इसलिए आपकी जो मूली होगी वो 30 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, और आपकी बैंगन खेती होगी फिर उसके बाद बढ़िया हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि हर चीज़ में डबल खेती करने की कोशिश करें, इससे आपको अच्छी खासी इनकम होगी, आपकी आय बढ़ेगी, और यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो किसान, अगर जानकारी पंजाबी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, धन्यवाद।